अगली खबर राजस्थान विधानसभा से जुड़ी, जहां दूसरे सत्र का आगाज हो गया लेकिन शुरुआत ही हंगामेदार रही और कमोबेश सदन का वही हाल देखने को मिला जो संसद में दिखाई पड़ रहा है। मुद्दा बना राज्यपाल का अभिभाषण न होना और विपक्ष की आवाज बंद करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि साल का नया सत्र है, लिहाजा आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। फिर उनके साथ विपक्षी विधायक भी आ गए और संविधान बचाओ के नारे शुरू होने गए। हंगामा बढ़ते गया। इस बीच सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बोले कि सत्र की शुरुआत नियमों से ही हुई है, ये दूसरा सत्र है, पहला सत्र हो चुका जिसमें अभिभाषण हुआ था, हर बार अभिभाषण की जरूरत का नियम नहीं है। जूली ने कहा कि उनका माइक भी बंद कर दिया गया, जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा वैसे मेरे साथ भी यहाँ किया जा रहा है। इस पर आसन ने कहा कि इसको व्यवस्था देखी जाएगी, संसद में भी विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए माइक बंद किए जाते हैं, जूली ने आरोप लगाया। वासुदेव देवनानी खड़े हुए और स्पीकर की भूमिका निभाते हुए उन्होंने पक्ष विपक्ष के बीच में जो भी वहाँ पर टकराव की स्थिति बन रही थी उसको दूर करने की कोशिश की। लगातार हंगामा बढ़ता गया और आखिरकार 45 मिनट के बाद करीब सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो बजट सत्र का आगाज बिल्कुल हंगामेदार हुआ है। अब 4 जुलाई को फिर से प्रोसीडिंग शुरू होगी। अब देखना ही होगा कि जो शुरुआत हंगामेदार रही है तो अंजाम भी क्या होगा। 10 जुलाई को बजट भी आना। इस बीच क्या कहा टीकाराम जूली ने, उस तरफ से सत्ता पक्ष की ओर से क्या कहा गया, सुनवाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान विधानसभा का काला दिन रहा, आज का एक काला अध्याय विधानसभा के पटल पे लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 176 की जो धज्जियां यहाँ पे उड़ाई गई हैं, मोदी जी बड़े संविधान की किताब बना के उसको जहाँ नतमस्तक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें संविधान के बारे में कह रहे हैं, वहीं उनकी सरकार राजस्थान के अंदर उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान का आर्टिकल 176 ये कहता है कि जब भी नवनिर्वाचित विधायक आएंगे उनका जो प्रथम सत्र होगा वो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। मैं आप सबका ध्यान संविधान के आर्टिकल 176 की ओर दिलाना चाहता हूँ। उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है और आज दिन तक के इतिहास में अनेक रूलिंग इस संबंध में भी आई हुई है कि जनरल इलेक्शन के बाद में जो प्रथम सत्र होगा उस प्रथम सत्र में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रथम सत्र में होने के बाद वही उसका वर्ष भी गिना जाता है, बाद में कोई अभिभाषण नहीं होगा। मैं रिपीटिशन के कॉस्ट पर आपके सामने संविधान के आर्टिकल 176 के तो कुछ प्रावधान पढ़ना चाहता हूँ और उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, तो फर्स्ट सेशन हुआ दिसंबर का जनरल इलेक्शन के बाद का, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, इट इज ऑल्सो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, तो वो जो ईच ईयर वर्ड है वो फर्स्ट सेशन से लागू होता है जो हमारा हो चुका है, कैलेंडर ईयर वर्ड नहीं है। गवर्नर शैल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन केस ऑफ द स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ द हाउसेस असेंबल टुगेदर एंड इन फॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉज ऑफ इस कमेंट समन्स। इसीलिए उनका ये जो एतराज था कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण होना चाहिए वो पूर्ण रूप से गलत था। संविधान की रक्षा करने का आधार लेने वाले लोग स्वयं संविधान की व्याख्या ही गलत कर रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। इमरजेंसी लगाने वाले, संविधान का गला घोटने वाले लोग आज हमको संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे, उनकी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आइए मुद्दों पर आइए, सकारात्मक बहस किए, देश के हित में, राज्य के हित में, जनता के हित में बात कहिए, विकास के मुद्दे पर बात कहिए। इन सब को छोड़ करके उन्होंने अनावश्यक बिना किसी आधार मुद्दा उठाया, वो पूर्ण रूप से गलत था। वह तो दोनों पक्षों का आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से आपस में जो बयानबाजी हुई उसको लेकर उसके बाद में
जो बयान सामने है। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर मेरे साथ मौजूद हैं। अब सुशांत, जिस तरह से कमोबेश संसद के दृश्य दिखाई पड़ रहे थे विपक्ष और पक्ष के बीच में, वही तर्ज पर राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र का आगाज हुआ, बिल्कुल हंगामेदार हुआ। लोग तो बिल्कुल अब सोच रहे होंगे अब शुरुआत ही हंगामेदार है तो अंजाम क्या होगा। बजट सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें लोगों से जुड़ी बातें होनी चाहिए, लोगों के कामकाज की बात होनी चाहिए, लेकिन कमोबेश तकनीकी चीजों में उलझकर कार्रवाई रह गई और सदन स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल मनीष, और कांग्रेस ने विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं किस तरह की रणनीति के साथ वो सदन में इस बार आए हैं, और चूंकि संख्या बल उनके पास अच्छा है, लोकसभा में 11 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, और सत्ता पक्ष के पास उस तरह के चेहरे नहीं है, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, राजेंद्र राठौड़ जैसे पार्लियामेंट्री जो रहे हैं लंबे वक्त तक, उनके पास सदन के भीतर का तजुर्बा था उस तरह का नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये टेक्निकली पॉइंट था, और इस पर जो है जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने एक तरीके से बताने की समझाने की कोशिश की कि ये दूसरा सत्र है, ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है दूसरे सत्र का है, लिहाजा पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है। लेकिन चूंकि विपक्ष इसी तैयारी के साथ, रणनीति के साथ आया था और वो ये दर्शाना और बताना चाह रहे थे, जिस तरीके से टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा को हमने देखा कि सदन के भीतर कैसे हंगामा हो, एक मैसेज जाए कि कांग्रेस इस बार विपक्ष के रूप में बहुत मजबूत है और पुरजोर तरीके से हर जो है मुद्दा उठाया जाएगा, एक तरीके से आगाज हुआ है। बजट सत्र जो है लंबा चलेगा, करीब एक महीने तक चलने की संभावना है मनीष, तो इस तरह की कई तस्वीरें हम देखने को मिलेगी, और कल फिर जब सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी तो स्पीकर के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वासुदेव देवनानी, हालांकि राजनीतिक जीवन का उनके पास अच्छा खासा अनुभव, लेकिन स्पीकर के रूप में पहले ही दिन आज एक तरीके से उनके लिए बड़ा परीक्षा की घड़ी आ गई थी जब उन्हें कहना पड़ा कि मुझे आप मजबूर नहीं करें, पहले दिन मैं किसी तरह की ठोस कार्रवाई करूं, तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल हालांकि सदन लंबा चलेगा आज के मुकाबले, आज बहुत सीमित जो है कार्रवाई हुई थी सदन की, करीब 45 चला, कल लंबा चलेगा और फिर उसके बाद 10 तारीख को बजट पेश किया। बिल्कुल, अब सुशांत ये भी जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि जिस तरह से ऑपोजिशन ने जो मुद्दे बनाए हैं वो हालांकि बिल्कुल सदन का ही मुद्दा था, अपने आप में किसी जनहित का मुद्दा नहीं था जिस पर सदन को बाधित होना पड़ा। अब लग ये रहा है विपक्ष को देखकर के कि क्योंकि टीकाराम जूली मौजूद रहे होंगे जब बैठक हुई थी बिजनेस को लेकर के, हाउस बिजनेस को लेकर के, हाउस शुरू होने से पहले, तो निश्चित रूप से ये बात तब भी उठाई जा सकती थी क्योंकि हाउस का बिजनेस पहले से पता होता है उस तरह से, जब प्रतिपक्ष नेता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन ये कहीं एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की कि उन कमजोरियों को ढूंढा जाए, उन खामियों को ढूंढा जाए, और ताकि वो कलेक्टिवली बीजेपी को डॉक में खड़ा कर सकें। बिल्कुल, विपक्ष तो मनीष अपना धर्म निभाएगा, ये सब कुछ पता होता है, नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसमें सारी कार्यवाही जो है लिखी होती है, कौन सा सत्र है और क्या क्या उसमें जो इस बार कार्यवाही बिजनेस रहने वाला है, और बीएससी की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया था। लेकिन टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अभी तक हमने उन्हें अलग अलग भूमिकाओं में देखा, विधायक मंत्री, लेकिन उन्हें अपने आप को भी साबित करना है सदन के भीतर, जो जिम्मेदारी बड़ा रोल उन्हें मिला है, तो लिहाजा वो चाहते हैं कि पहले ही दिन से वो एक ऐसा मैसेज दे दें कि कांग्रेस इस बार मजबूत है, कांग्रेस पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रही है, और विपक्ष का धर्म भी है मुद्दे उठाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजों से सदन की कार्रवाई बाधित नहीं हो। जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में स्पीकर ने अपील की थी कि सदन की कार्रवाई मैक्सिमम चले, अधिक से अधिक घंटे चले, हंगामा अगर हो तो जेन्युइन चीजों को लेकर हो, टेक्निकल चीजों पे जिस तरह की आज सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की गई, हालांकि जो आज का एक तरीके से बिजनेस था बहुत सीमित था, वो पूरा हो गया, लेकिन आप हंगामे के बीच में नए सदस्यों को शपथ दिला रहे हो या फिर प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की शपथ दिलाई गई, ये सारी तस्वीरें जो है वो देखने में ठीक नहीं थी, लेकिन सदन में ऐसा ही होता है, पिछली बार भी हमने देखा इसी तरह की चीजें थी, और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे तो इस तरह की तस्वीर हमें आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी। बिल्कुल सुशांत, हालांकि इस सेशन कितना भी महत्वपूर्ण हो, विपक्ष का भी अपना धर्म है कि जनता की उन पर भी नज़र रहती है कि किस तरह से सरकार पर वो लगाम रख सकते हैं। उम्मीद है कि आगे एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिलेगी, आपसे भरोसे की कमी खत्म होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।